देखिए रात का बन गया है खाना, दाल बन गई है। अभी तड़का लगाना है मुझे, मिक्स दाल बनाई है। और इसी मिक्स दाल को मैंने थोड़ा ज़्यादा भिगोया था ना, तो उसका देखिए ये बैटर पीस लिया है, चावल भी ऐड करके ये बैटर पीस लिया है। तो ये सुबह नाश्ते में मेरा काम आ जाएगा। इसी के साथ बन गई है अपनी सब्जी। तो अभी मैं बात करनी है ना आप लोगों से, अभी बात ये करनी है कि हो रहा है थोड़ा मुश्किल, रुके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपने देखा इधर मीटिंग चल रही है और टेबल कैसा फैला हुआ है। एक रूम मेरे घर का ये है, इसमें भी मीटिंग चल रही है। और ये देखिए, इसमें भी चल रही है मीटिंग। और ये मेरी दुकान का रूम है देखिए। और ये देखिए कपड़ों का ढेर, दिन में 2 बार कपड़े धुलते हैं आजकल। इधर भी कपड़े रखे हैं, भगवान जी की पोशाक वगैरह धोई थी। और इधर रखा है मेरा ही दुकान का सामान। और जो है अब मैं कैमरा, मुश्किल क्या हो रहा है मेरे साथ मालूम है आपको? मुश्किल ये हो रही है कि जो है सब तो कर रहे हैं अपनी अपनी ऑफिस का काम, हर कमरे में चलती है मीटिंग, तो मैडम रीना कहाँ जाए बताइए आप लोग, मैं कहाँ जाके ब्लॉग बनाऊं और कैसे बनाऊं? मैं कुछ सोचती हूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। दिन भर मेरा काम 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 में ही बीत जाता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मेरी शॉप भी खुल गई है। मतलब कस्टमर तो अभी घर पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो है कोरियर सर्विस स्टार्ट हो गई है। और रक्षाबंधन आने वाली है, तो अभी से ही राखी के ऑर्डर ले रहे हैं, क्योंकि क्या है ना लॉकडाउन कब लग जाएगा मालूम नहीं। तो राखी में भी थोड़ा माइंड अपना लगाना पड़ जाता है कि कैसा पसंद आ रहा है, कैसा क्या है। और जो है आज कैमरा हाथ में पकड़े हूँ तो काम भी नहीं कर पाऊँगी। और दूसरा कुछ ज्वेलरी के ऑर्डर्स आ जाते हैं भगवान की दया से, तो जो है वो ज्वेलरी में भी दिमाग लगाना पड़ता है ना कि भाई डिज़ाइनिंग भेजो, फिर हम थोड़ा डिज़ाइनिंग में क्या चेंज कर लें कि कस्टमर की बजट में आ जाए। ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो प्रॉब्लम्स तो इसको नहीं बोलूँगी, मतलब अच्छी बात है अगर आपका काम चल रहा है तो अच्छा है, ऑर्डर्स आते हैं तो अच्छी बात होती है। यही मेरी पॉकेट मनी भी है। और पहले पॉकेट मनी लेती थी हस्बैंड से, और लेकिन जब से मैंने काम स्टार्ट कर दिया ना, तब से ये मुझे बेटी ने बहुत ज़्यादा वो सिखाया, बच्चों ने ही। मेरे बच्चे बोले जब आप खुद का पैसा कमाने लग जाओगी ना, फिर आप देखना आपको किसी से भी पैसा लेने में भी संकोच लगेगा। और वही बात सही हुई, जब से मैं पैसा कमाने लगी ना, तो फिर मुझे अपने हस्बैंड से भी अपनी पॉकेट मनी लेने में ना बड़ा अजीब लगता है। अब मैं उनसे नहीं लेती हूँ, तो वो तो मेरा काम है देखिए, है ना, वो तो मुझे करना ही करना है। चाहे मैं यूट्यूब का एक बार डेली का ब्लॉग बनाने में अगर मुझे मुश्किल हुई तो वो मैं बंद कर सकती हूँ, लेकिन रोजी रोटी, मैं अपनी रोजी रोटी बोलती हूँ इसको, तो बच्चे हंसते हैं कहते हैं ये इसी की तो रोटी खा रही है। रोटी तो उसकी नहीं खा रही हूँ नो डाउट कि, लेकिन अपनी एक पॉकेट मनी जब अपनी इकट्ठी होती है ना, जो प्रॉफिट थोड़ा अर्न होता है, तो वो कैश तो क्या होता है, वही बिजनेस की तरह हो जाता है कि जो कैश आया वो वापस बिजनेस में ही लग जाता है। लेकिन फिर भी एक खुशी होती है ना। तो डेली के ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी तो दिक्कत हो रही है नो डाउट, क्योंकि थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है इस समय पे मेरे ऊपर। और देखते हैं, मैनेज कर रही हूँ। और अच्छा, मतलब कि ज़्यादा घर में अभी पूरा घूम नहीं सकती हूँ, बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करने का मन होता है तो बहुत कुछ अभी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अगर तेज़ बोलती हूँ तो घर में बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है, तो और वीडियो के लिए थोड़ा तेज़ बोलना ही पड़ता है और पंखा भी बंद करना पड़ जाता है, इसीलिए हम लोगों के पसीने आते हैं, नहीं तो पंखे की उससे डिस्टर्ब होती है साउंड थोड़ा। तो चलिए आज तो इतना ही बस, और फिर मिलते हैं कल के किसी उसमें। और कल मैं कटहल की रेसिपी शेयर करूँगी, देखती हूँ बना तो लिया है वीडियो, अगर मन हुआ तो आज ही इसमें एडिट कर दूँगी उसको, और नहीं तो फिर कल ज़रूर शेयर करूँगी आपको। और बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। और देखिए मेहंदी कल सोच रही थी कि आज बोलूँगी आज लगाऊँगी, आज भी समय नहीं मिल पाया। और जो है अब ये संडे तक टल गया मैटर, संडे तक और मेहंदी घोलूँगी तो आपको बताऊँगी कि कैसे आप लगाइए उसे, बाल सच में अच्छे होते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, और कुछ नई बातें शेयर करेंगे आपस में।
और जैसे अपना प्यार दे रहे हैं देते रहिए ऐसे ही, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग। ओके बाय बाय, सेफ, टेक केयर।